नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। बालूमाथ अंचल अधिकारी आफताब आलम ने रविवार को बालूमाथ थाना चौक में मास्क जांच अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को मास्क लगाने के लिए दिया। उन्होंने इसके साथ ही हमेशा मास्क लगाने की अपील भी लोगों से की। उन्होंने राहगीरों को कोरोना जैसी महामारी से बचने का उपाय बताया और हर हाल में अपने वैक्सीनेशन केंद्र में जाकर कोरोना टीका लेने की भी अपील की है। वहीं यात्री बस में भी अंचलाधिकारी जाकर लोगों से मास्क पहनने की अपील की। इधर घाघरा गुमला में बढ़ते कोरोना को देखते हुए सड़क पर उतरे वीडियो, राहगीरों को दिलाया वैक्सीन। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के चांदनी चौक तीन मुहाने पर गुमला रोड, लोहरदग्गा रोड और नेतरहाट रोड पर घाघरा के वीडियो विष्णुदेव कक्षप सड़क पर उतरकर लोगों को कोविड वैक्सीन दिलाते देखे गए। सड़क से गुजरने वाली टेम्पो, बाइक सवार और बाइक चालकों समेत राहगीरों को रोक रोक कर वैक्सीन देने का काम किया गया। एक ओर जहां लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रखंड प्रशासन लक्ष्य पूरा करने को लेकर एड़ी चोटी एक किए हुए है। स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस टीम के साथ एक एक कर लोगों को रोक कर उनका आधार कार्ड के जरिए कोरोना वैक्सीन लिए हैं या नहीं लिए हैं, इस बात की पुष्टि भी लोग कर रहे हैं। हालांकि आज से तो 15 साल से 18 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीन देने का काम शुरू हो गया है। इस बाबत सोमवार को टाना भगत कॉलेज घाघरा, एसएस उच्च विद्यालय घाघरा, संत युद्ध उच्च विद्यालय नवाडी और जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया के छात्र छात्राओं को वैक्सीन दिया गया। रविवार को वीडियो श्री कक्षप के साथ सहायक अभियंता सत्येंद्र राव, राजस्व उप निरीक्षक सुशील टोप्पो, ANM सुनीता लाकड़ा, सहिया सुचिता देवी आदि लोग उपस्थित रहे। हम लोग विशेष अभियान चलाए हैं टीकाकरण का। आज चांदनी चौक से आगे नेत्रहाट रोड में अभी हम लोग जो भी टेम्पो चालक हैं या बस चालक हैं, ट्रक चालक हैं, मोटरसाइकिल में जो लोग जा रहे हैं उनको रोक करके हम लोग उनसे पूछ रहे हैं और जो नहीं लिए हैं उनको हम लोग दिला भी रहे हैं। और 15 तारीख तक हम लोगों का पूरा प्रयास है कि सभी लोगों को जो 18 साल से ऊपर है उनको वैक्सीन दिलवा देंगे। हम लोग 15 साल से 18 साल के बीच के बच्चों को दिलवाना है। तो चार स्कूल में हम लोग का सेंटर है, उसमें जवाहर नवोदय विद्यालय मसरिया में है, SS हाई स्कूल घाघरा, टाना भगत कॉलेज घाघरा और एक चपका में है। तो ये चलेगा भी, हम लोग पूरा प्रयास है कि हम लोग 100% लोगों को टीकाकरण करवा दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।